कुल ख़त्म है, इसमें कोई मशीन सारी पुरानी है, जो यहाँ तेल ताल है इनमें भी सारे पुराने हैं, इसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। छः घंटे भी पूरी मिल रही, हाँ पाँच सौ घंटे बस वो भी कट मार के देना। लाइन मैन नहीं होता, एक तो फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, डोर का अंदर किसी ने लाइट नहीं लागण दे, यू पहले ओवरलोड है डोर ही पूरा तो लाइट भेज दी, ये भी ये सड़िया पड़िया है, माना लाइट पूरी मारी नहीं मिली, मम क्यों डक्की भी गेरांगे, डोर की भी गेरांगे और ज्योरा की भी गेरांगे। पावर हाउस हमारा गांव में, जमीन हमारा गांव ने दे रखी, एक कनेक्शन दे में आगे नई डोर में जोड़ दी। नमस्कार, ये जो तस्वीरें हैं आप गांव नौच के पावर हाउस की देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गांव नौच के जो ग्रामीण हैं पावर हाउस में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इनकी समस्या है जेन्युइन समस्या है। हम आपको बता दें कि ये कहावत है, खेत में किसान सीमा पर जवान, लेकिन जो किसान हैं पावर हाउस पर डटे हैं यहाँ, इनकी क्या कुछ समस्या आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इनको जो पर्याप्त मात्रा में बिजली है वो नहीं मिल पा रही है। हालांकि गाँव नौच में पावर हाउस है, लेकिन उसके बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में इनको ना तो गांव में बिजली मिल पा रही है और ना ही जो खेतों की सप्लाई है वो सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है। तो क्या कुछ पूरी समस्या है इस बारे में हम ग्रामीणों से जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों पावर हाउस में इनको आज आना पड़ा। हाँ जी, नाम आपका? करमवीर नौच है जी। जी, क्या कुछ समस्या है जी? ये समस्या जी पावर हाउस है गाँव नौच का जी, इसमें माना फरी दे रखी है जमीन जी, और ये बिल्कुल ख़त्म है, इसमें कोई मशीन सारी पुरानी है, जो यहाँ तेल ताल है इनमें भी सारे पुराने हैं, इसकी कोई मरम्मत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बिल्डिंग में भी राम बरस दे पानी पड़ा है इसमें जी। अगर राम बरस जब हम सोचा भी राम बरस गया थोड़ी सी लाइट चल जाएगी, राम भी बरस गया कोई लाइट आवेगी, ये बंद हो जाता है, इसमें सारी बिल्डिंग में पानी पड़ा है जी। तो इस पौरों से बिल्कुल रद्दा बिल्कुल ख़त्म है जी, केवड़क पौरों से केवड़क पूरा तो सप्लाई दे रखी है, द्योरा पौरों से द्योरा उरा दे रखी है, थाना सबसे बड़ा पौरों से थाना उरा दे रखी है जी। तो एक नया चांद और इन्हें बिका चढ़ाया, डोर का अंदर किसी ने लाइट नहीं लागण दे, यू पहले ओवरलोड है डोर ही उरा तो लाइट भेज दी, ये भी ये सड़िया पड़िया है, ये भी एक शर्त और अफसर ने अंदर दी भी नौच गाँव में जो पौरों से उसते सिर्फ 7 घंटे लाइट मिली जाए, फिर भी ट्रांसफार्म आया बाद, पिछले साल ट्रांसफार्म 2 सड़ गए थे, पिछली बार मारे किसी का जिनस नहीं हुई, इब का ये इब सड़ गया, इब बीमारी तो खेत सूखे पड़े हैं जी। और गांव नोच का एक रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा बिल गांव नोच देता है जी। कोई भी अफसर है उसकी मैं कदर करा जी। कोई भी गांव में छापा मारने वाले जाएंगे, कोई गांव में नहीं बढ़ते, एक नोच पै रहा छापा मारने जी। भाई का छापा लागण लाग रहा, मैं दूध का जग पासा ठाए फिरूँ, भाई साहब दूध पी लियो, फिर थम आ गया, फिर पकड़ लियो, और गाँव में मारा इनका डंडे मारा जी। ये भी सारा गाँव बैठे खड़े है मतलब नोच का, पहली बात है भाई मां ना फुल लाइट मिलनी चाहिए, अगर मार पर लाइट फालतू है किसी तरह दो माना कोई इतराज नहीं, लाइट मतलब मारना फरी जमीन दे रखी है, फरी मारा काम है, मारना लाइट फरी चाहिए जी। फुल लाइट देंगे जब मारते नहीं कहेंगे सर तो लाइट इतनी देंगे, कितने बांडो भाई कितने बांडे जाओ, माना कता कोई इतराज नहीं। अगर ये नया ट्रांसफार्म आ गया, माना लाइट पूरी मारी नहीं मिली, मम क्यों डक्की भी गेरांगे, डोर की भी गेरांगे और ज्योरा की भी गेरांगे, थाना की भी गेरांगे, जसवंती बिलवंती की मैं नहीं गेरांगे कि उनमें पौरोंस नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। और अब जो भी यहाँ इतने बैठे हैं, जड़ा मारा भी छापा मारना आ गया, दूध की जगह भी डंडे चल लेंगे, क्यों भाई? हाँ, दिल सिंह जी नाम जी। कितनी मतलब कितने घंटे लाइट मिल रही है? लाइट तो जी 6 घंटे भी पूरी मिल रही। अच्छा, हाँ पाँच सौ घंटे मसे वो भी कट मार के देना। हाँ मतलब खेतों तो इन्हें मिली भगत में जिस तरह डोर बिजली गई है जी, जबकि नोच का पावर हाउस है, नोच की जमीन है फरी, मतलब इनका पता नहीं कोई रिश्वत खा में पता नहीं क्या करें, यो काम हो रहा है अब। मतलब जो खेतों वाली लाइट है उसमें दिक्कत आ रही है? हाँ दिक्कत पूरी है, गांव में भी दिक्कत है, खेतों में दिक्कत है, दोनों जगह दिक्कत है। अच्छा, खेतों में कितने घंटे चाहिए? खेतों में माना 8 घंटे चाहिए। 8 घंटे चाहिए, मिल कितने घंटे रही है? मिल तो माना 5 घंटे रही है जी। वो भी कट लग गए बीच में, तो फिर किसी अधिकारी से मिले हो आप? बस ये माना राय नहीं देते। अच्छा, क्या कहते हैं? बस ये तो कहते हैं ओवरलोड है, इतने मिलेगी लाइट तो। ठीक है। हाँ आप बताइए नाम आपका? विक्रम सिंह जी। जी क्या समस्या? ये लाइट की है, खेतों की 8 की जगह 5 घंटे आ रही है, 5 में भी 15 मिनट का कट, 20 मिनट का कट जी। रही बात गाँव की, 24 घंटे की जगह 12 घंटे चल रही है जी। जो नोच की लाइट है आप बाहर भेज रहे हैं जी, डिपार्टमेंट नहीं रहा, जो अफसर है अभी फोन किया एसडीओ साहब पे, हाँ जी ट्रांसफार्म लेने जा रहे हैं हम तो जी। बैठे हो चकैथड़ रात को फोन करें, बोले जी हम तो पावर हाउस में नहीं है जो 132 kV के हैं, फिर भी 1 घंटे के बाद दोबारा फोन आता है, बोले जी लाइट चालू कर दो, फिर वो कहाँ आ जाते हैं जी। यहीं से बोलते हैं, यहीं से झूठ बोलते हैं कि मारनी जी। समस्या तो बड़ी है।
अब मतलब पावर हाउस में दिक्कत आ रही है, इस कारण लाइट की दिक्कत है? नहीं, पावर हाउस में दिक्कत तो अब आई है 3 दिन से। ठीक है, ये दिक्कत जो पूरा सीजन हो गया। ठीक है जी। जब खेतों में सुविधा है कि मेट्रो लाइट जानी चाहिए सिंगल फेज की, भी खेतों में मीटर भर लग रहे हैं, बिल भर रहे हैं जी। कितने घंटे, 2 घंटे नहीं जानती, रात एक लाइन तो गई ही नहीं जी। यहाँ से जो लाइनमैन थे उन्होंने अपने अफसर को बोल दिया जी हमने मेट्रो कर दी जी। मेट्रो चली नहीं, असनपुरा बिल्कुल नहीं चली जी। तो प्रॉब्लम है, उनके भी तो बच्चे होंगे जी। मतलब धान सूख रही है, धान भी सूख रही है, बच्चे भी को भी जो खेतों में बैठे हैं उनके वह बच्चे नहीं, बहुत परेशान है उनको। जब मेट्रो की सुविधा दे रखी है सरकार ने, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, जब आप गांव को मेट्रो दे रहे हो, गुवांडो को मेट्रो दे रहे हो, डोर खराना को मेट्रो दे रहे हो, तो ये गांव नोच के जो बसिंदे इनको मेट्रो नहीं चाहिए जी। ठीक है, आप बताइए नाम आपका। मेरा नाम रजत है जी, मैं गांव नोच से। जी, क्या कुछ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गाँव नोच में पिछले दिनों से 5 घंटे लाइट आ रही है, जिसमें से खेतों की लाइट 3 घंटे आती है, 2 घंटे कट मार देते हैं। और ये खट्टर सरकार की योजना है जगमग योजना जी, इसमें 24 घंटे लाइट आनी चाहिए, हमारे तो यहाँ पर 12 घंटे लाइट आ रही है जी। इसके लिए प्रशासन से अपील करते हैं कि भाई इसको सुधार जी। मतलब जिस गांव में पावर हाउस है, पावर हाउस 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए। मतलब पावर हाउस हमारा गांव में, जमीन हमारा गांव ने दे रखी, एक कनेक्शन दे आगे नई डोर में जोड़ दी, पर द्योरा जोड़ रखी, क्योड़क जोड़ रखी, दिशोंती बलियोंती, ये जमीन तो हमारा गाँव ने। जमा जी, काफ़ी दिनों से हमारे गांव नौच में लाइट की बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। और प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं हम सारे गांव नौच के वासी कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी दूर करें जी। क्योंकि खेत की लाइट भी बहुत कम आ रही है जी। और बिजली पावर ग्रिड में जो छोटा हमारा 33 kV है जी, उसका ट्रांसफार्मर जला हुआ है जी। और 132 kV है उसकी भी लाइट ओवरलोड हो रखी है। और बहुत सारे गाँवों में बड़े, हमारा नौज गांव का एरिया बहुत बड़ा है जी। इसके होने के बावजूद दूसरे गांव के एरियो में भी जहां पे लाइट दूसरे गांव जैसे क्वार्तन से डोर जा सकती थी, लेकिन क्वार्तन वाले दही खुराना से डोर आ सकती थी, खुराना वाले दही वो नौज से गई है। क्योड़ गांव में पावर हाउस है, वहां पे भी हमारे गाँव की तरफ से ग्रिड की तरफ से लाइट गई हुई है जी। ऐसे कर करा के ये हमारा पावर हाउस है जो ओवरलोड हो रखा है। तो प्रशासन से, कैथल प्रशासन से यही निवेदन है SDO साहब से और उससे बड़े जितने भी अधिकारी हैं भी, हमारे गांव नौच की समस्या का हल किया जाए जी। बस यही चाहते हैं जी। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे क्या कुछ कदम रहेगा आपका? सारे गांव वाले बोल रहे हैं जी, वही करेंगे जो गांव वाले बोल रहे हैं, रोड जाम करेंगे, जो भी हो सका मसला तो हल करना है जी। यही समस्या ये है, अगर इन पर पहली बात इनके फोन करा जैसे रात को अगर हो जाए तो ये कह देते हैं भाई लाइन मैन नहीं होता, एक तो फोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, और ना ये सच बता रहे जो कह रहे हैं 24 घंटे लाइट है, कहाँ पर कहीं भी नहीं है 24 घंटे लाइट जी। जो टाइम होता लाइट का उस टाइम ये बजा देते हैं रात को, कौन आएगा इनके पास, रात को सबको काम भी है। और जो समस्या ये जो दूसरे उसमें पावर ग्रिडा में जारी है जी, तो यहाँ से जाने का मतलब ही नहीं है जी। ना ये अधिकारी सच बता रहे, इन्हें सब कुछ कर ख्या इन्हें की मिली वक्त सारे, अगर ये सच बता साथ दे तो हम इनका साथ देंगे बिल्कुल। अगर और गांव में या और गांव इन तक नहीं दे रहे हैं, ठीक है, देवरा में पावर ग्रिड है तो वहां भी कृषका जसवंती बलवंती का नहीं है, जो पहले भी हुई अभी वहां हम दे नहीं सकते, थाना का भी पावर ग्रिड है भाई साहब, क्योड़ा का भी पावर ग्रिड है, अरे यहां से नोट से डोर कम से कम 10-12 किलोमीटर पड़ता है, खराना से 1 किलोमीटर है और क्वार्तन से भी 1 किलोमीटर है, ठीक है। इन्हें हम ही पै रहे हैं, खेतों की लाइट अगर चल जाती है कहते हैं कि वो उसको वो करेंगे कंप्लीट करेंगे, इनकेस वो भी नहीं होती। और मैं कड़ा नौच जी, तो ये जेई बोलता है कि जगमग योजना जो खट्टर ने चला रखी है कि भी गांव में 24 घंटे लाइट चाहिए जी, तो ये 10 घंटे भी लाइट नहीं देते जी। और जो जेई साहब बोल रहे थे कि 24 घंटे देते हैं, गांव में तो सिर्फ 7-8 घंटे लाइट आती है। अच्छा, हाँ, खेतों में तो 3-4 घंटे आती है। हाँ समस्या भैया है, एक अपना पावर ट्रांसफार्मर डैमेज हो चुका है जी। उसके चलते हम सिस्टम को चला रहे 6-6 घंटे जबकि बारी है 8-8 घंटे की जी। यही समस्या है मैन जी। तो जैसे जो आप बता रहे हो अभी डैमेज हो गया, ऊपर आपने बोल दिया अधिकारियों, हाँ आज ट्रांसफार्मर आ जाएगा, एक फिर सिस्टम ठीक चल जाएगा। अच्छा, हाँ तो कितने दिन में इनको जैसे खेतों वाली 8 घंटे और जैसे इनके गाँव में नोच में यहाँ मतलब सब स्टेशन लग रहा है तो इनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। 24 घंटे है इनकी। अच्छा, है क्रॉसिंग के कारण बंद हो रही है। अच्छा, जैसे लाइन मैन एक लाइन को बंद
फॉल्ट हो गया तो क्रॉसिंग के कारण उसको बंद करना पड़ता है गांव वाले को। यहाँ पर 10-11 लाइन है, सभी की आपस में क्रॉसिंग है। अब गांव नोच को कितने घंटे बिजली मिल रही है गांव को? गांव को तो ये मान लिया भाई 24 घंटे ही मिल रही है, कट के कारण ज़्यादा कट वो हो रहा है क्रॉसिंग के कारण। हाँ, जो ये ट्रांसफार्मर बोल रहे हो ये ठीक होने के बाद उसके बाद समस्या समाधान हो जाएगा? समस्या का समाधान तो होगा नहीं बदेख, गांव वाले का तो होगा नहीं क्योंकि क्रॉसिंग है। अच्छा, हाँ क्रॉसिंग मिटेगी तब होगा ये समाधान। ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा ट्रांसफार्मर? ये तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल तक हो जाएगा।